अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कोड राइटिंग रूल इन जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट या बेसिक सिंटैक्स ऑफ कोड राइटिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग में हम स्क्रिप्ट की टैग टाइप डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे दोबारा स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये देखें, हमने यहाँ पे सबसे पहले टाइप डिफाइन करेंगे, जो हमारा जो टेक्स्ट है उसके टाइप क्या होगी। इसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में डिफाइन कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के टैग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अगर कोई भी चीज़ हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसा कि हम पी टैग या कोई भी एचटीएमएल का टैग यूज़ करके हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं चीज़ें या अपना कोई भी हेडिंग वगैरह, तो अगर हम यहाँ पे इसमें यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करवाएँगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज करते हैं किसी भी चीज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिख दूंगा वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग, और हम इसे अपने ब्राउजर में रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे ये हमें नजर आ रहा है दिस इज फर्स्ट हेडिंग, जिसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यूज कर रखी, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वाइट स्पेसेस क्या होती हैं। वाइट स्पेसेस एग्जाम्पल ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तो हमें काफ़ी सारी स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन इस पर इसका हमारा जो वेब पेज है या हमारे जो हेडिंग है इस पर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मैं रिफ्रेश किया लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिल रही, यहाँ पे इस पर इसका कोई असर नहीं होता। ये जो वाइट स्पेस होती है ये बाय डिफॉल्ट निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लाइन विड्थ है वो किस तरह काम करती है। ठीक है, लाइन विड्थ चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ लाइन की विड्थ दे देते हैं, यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 लाइन की विड्थ दे दी। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसे चेक करते हैं। बेसिकली तो ये ऐसे ही नज़र आना चाहिए, यानी कि ये एक लाइन यहाँ पे हमें नज़र आनी चाहिए और एक लाइन यहाँ पर नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये लाइन ये इस पर, ठीक है, ये इसके फॉरवर्ड शुरू हो गई, यानी कि इस लाइन के आगे ही ये दूसरी लाइन शुरू हो गई, इसने कोई भी हमें स्पेस नहीं दी। ठीक है, ये लाइन विड्थ भी ऐसे ही हमें बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस निगलेक्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे इसे बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सबसे इस पे बी आर का टैग यूज़ कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसे इस तरह सेपरेट कर सकते हैं बी आर का टैग यूज़ करके। हमने हमारे जितने भी एच टी एम एल के टैग्स होते हैं वो हम इसे यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे बी का टैग यूज़ किया। ठीक है, ये सेकंड जो हमारी हेडिंग है ये बोल्ड होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने देखा कि हम अपने वाइट स्पेस क्या चीज़ होती है, ठीक है, और लाइन विड्थ क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सेमी कॉलम का इसमें क्या काम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये डबल मैंने एक लिखी है क्या इसे कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ से मैं सेमी कॉलन को हटा देता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारे कोड पे क्या असर होने वाला है। ठीक है, ये एरर बन गया। ठीक है, ये जब भी हमारे कोड में कोई एरर आता है तो वो हमारे हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं करवाता, और हम जब भी हम अपने जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट में कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम उसे सेमी कॉलम से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे सेपरेट कर दिया सेमी कॉलम से। ठीक है, अब हम इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के
डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट कैसे ऐड करते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि ये नज़र आता है या नहीं। ठीक है, ये देखें, ये जो हमारी सेकंड हेडिंग थी वो चली गई कमेंट में, यानी कि जो कमेंट है वो बाई डिफॉल्ट नज़र नहीं आता, ये वो ब्राउज़र जो होता है हमारा वो उसे निगलेक्ट कर देता है, वो उसे रीड नहीं करता। अगर हम मल्टीपल लाइन का कमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, मल्टीपल लाइन को अगर हम कमेंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेरिक। ठीक है, और यहाँ पे इसे हम अपने कमेंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोल आर। ठीक है, ये देखें, जो जितनी भी हमारी ये स्टेटमेंट थे ये कमेंट में चले गए। अगर हम यहाँ से कमेंट रिमूव कर देते हैं तो ये हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगी। इस तरह हम अपने जीएस के डॉक्यूमेंट में हम कमेंट को डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एम कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये वाइट कलर का हो गया, यानी कि ये डॉक्यूमेंट का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। और यहाँ पे इसका क्या असर होता है, ठीक है, ये देखें, जो हमारे यहाँ तक जो था हमारा जो ठीक था, ठीक है, और जिसके बाद जहाँ पे हमारा एरर आया उसके बाद हमारी आउटपुट ख़त्म हो गई, यानी कि जहाँ पे हमारा जिस डॉक्यूमेंट में हमारा एरर आया वहाँ से हमारी आउटपुट शो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे एम स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये था आज का हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट का हमारा बेसिक सिंटैक्स कि हम जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं और इसके कोडिंग के रूल्स क्या हैं। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।